दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने मंगाया था सिस्का का ST 4000 के, और आज करते हैं इसकी टेस्टिंग। अभी सर के हेयर जो है पिछली बार की कटिंग के बाद बढ़ गए हैं, तो हम इसको कट करके देखते हैं। मैंने अभी भी हेयर कट किया, इसलिए मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग करते हैं सर के हेयर कट करके या सेट करके बोल सकते हैं, क्योंकि हमने 20 दिन पहले ही इसे सेट किया था। तो चलिए देखते कैसा परफॉर्म करता है। इसकी बॉडी अगर देखें तो अच्छी बड़ी बॉडी है इसकी, तो आपको ग्रिप करने पर कॉन्फिडेंस आता है। देखते हैं अब ये परफॉर्म कैसा करता है। सिस्का का ST में आपको ये भी फ़ायदा है कि इसमें बैटरी कितना बचा हुआ, कितने मिनट का, ये भी बताता है। और इसमें हेयर ट्रिमिंग के लिए ब्लेड है अलग से, साथ ही हेयर ट्रिमिंग का कॉम है स्पेशली। तो हम देखते हैं कि बियर्ड ट्रिमिंग की कंपैरिजन में हेयर ट्रिमर, जो एक्चुअल हेयर ट्रिमर है, मल्टी ग्रूमिंग किट है, वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 16 mm की सेटिंग है, तो हम 16 से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें 16 सबसे बड़ा सेटिंग है। तो सबसे बड़े से शुरू करना हमेशा सेफ होता है। 16 मतलब बहुत बड़ा होता है, 16 mm काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाती है। हम इसको अभी 12 पे ले आए हैं, 12 पे भी काफ़ी कम कटिंग हो रही है। हम धीरे धीरे इसको छोटा करते जाएंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखो इतना ही कटा है, और छोटा कर दूं? देख इधर इधर बड़ा नहीं होना चाहिए, इधर जितना छोटा उसमें उतना ध्यान मत देना। दोस्तों हमने अभी 10 सेट कर लिया, 10 mm, और हम सर के पीछे के बाल कट करेंगे। और हर बार कट करने के बाद हम जो बाल फंसे हैं उसको झड़ा लेंगे, ताकि ब्लेड के सामने कोई भी हेयर्स ना रहे। देखिए दोस्तों, साइड का बाल थोड़ा सा हमने कट कर लिया, ऊपर के कट कर लेते हैं। उसके बाद फिंगर टेक्निक से हम ऊपर के कट करेंगे, उसके बाद हम फाइनल जो है सब तरफ का सेट करेंगे। फिलहाल बैक में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ट्रिम हुआ है, और इसमें काफ़ी, अगर आपके पास कॉम्ब है, हेयर कॉम्ब वाला ट्रिमर है, हेयर कटिंग वाला ट्रिमर है, तो बहुत ईजी वे पर आप कट कर सकते हैं। सिर्फ आपको सेट करना है नंबर और कट करते जाना है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कहाँ पर कितना साइज रखना है, बाकी बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपके पास मल्टी ग्रूमिंग किट है, चाहे फिलिप्स का हो चाहे सिस्का का हो। तो चलिए हम आगे कट करते हैं। दोस्तों अब ऊपर के बाल हमने अपने जितना डिज़ायर्ड लेंथ पे काट लिए, अब हम सब तरफ सेट कर लेंगे। जो भी ट्रांजिशन जोन है उसको हम यहाँ और यहाँ के साइज़ के बीच के साइज़ में कट करेंगे, और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए कट करेंगे ट्रिमर को, और बाकी जगह भी, जो भी अनइवन जगह है उसको हम सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कान के पास पास थोड़ा कम नंबर में चला देते हैं। ये और इधर कौन बराबर लाइन? हाँ एकदम बराबर नहीं करूँगा, लेकिन नीचे कहीं तो नंबर छोटा छोटा हाँ हाँ रह जाता है। दोस्तों सारी तरफ कटिंग होने के बाद हम यूज़ करेंगे प्रिसीजन ट्रिमर, क्योंकि इसमें आपको कर्व वगैरह के जो आप लाइनिंग देते हैं वो कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसको लगा के हम फाइनल फिनिशिंग देंगे बॉर्डर्स की। कहाँ शुरू करूँ? आवाज आ रहा है क्या आपको? टच कर देता हूँ बस, टचअप। अब जो बचेगा हम अगली बार कर लेंगे, इनके बड़ा लगाते हैं, एक ही दिन में पूरा करने का कभी भी नुकसान नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने फाइनल कटिंग कर ली है। थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं बाद में नहाने के बाद लगता है कि अनइवन रह गया, आप उसको दूसरे दिन कट कर सकते हैं। पहले दिन ही आप पूरा करने के उसमें ना रहें, नहीं तो कई बार ज़्यादा छोटे हो जाते हैं बाल। तो अभी सर का देखते हैं हम कैसा है हेयर कट। ये बैक पोर्शन देखिए,
काफ़ी अच्छे से इवनली ट्रिम हो गया है। और तो ये हो गया, और ऊपर का बाल सामने से दिखा दीजिए सर। ये रहा फाइनल हेयर कट। सो कैसा लग रहा है सर? तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कितने बाल कट हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं यूज़ करने के बाद ये बोलना चाहूँगा कि इसका का ये ट्रिमर 2500 रुपए की रेंज में तो ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस हेयर कटिंग के मामले में वो बियर्ड ट्रिमिंग से अच्छी है, क्योंकि बियर्ड ट्रिमर में आपको अलग से हेयर के साइज़ का कॉम नहीं दिया होता, हेयर के लिए जहाँ पे अलग से ब्लेड भी दिया हुआ है, ये वाला जो है लगा है वो बियर्ड के लिए है। हेयर के लिए स्पेशली अगर कोई ट्रिमर है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, उसमें काफ़ी ईजी पड़ता है हेयर कट करने के लिए। इसमें एक चीज़ खास मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि है उसका ये कॉम्ब, बहुत ही ढीला सा ये कॉम्ब है, थोड़ा सा भी अगर आप मूवमेंट करते हैं तो ये गिर जाता है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसको यूज़ करना, लगाना, निकालना बहुत ही कम्बरसम है। देखिए अगर आप इसको 16 पे, जैसे हम इसको 16 पे सेट करते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये निकल जाता है बिना, इसका लॉक सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक दिया हुआ है ताकि आप इसको दबा के डिज़ायर सेटिंग पे ला सकें, बट इसको बिना दबाए भी अगर आप आगे उठाते हैं या एक्सीडेंटली उठता है तो ये निकल जाता है। तो ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है मैं बोलूँगा, अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करें और कॉम्ब की क्वालिटी की बात करें ये वाले। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिलिप्स का लें, अगर आपके पास 4000 रुपये के आसपास बजट है आपका, अच्छी कंपनी का लेना हमेशा अच्छा ही होता है। और ये सिस्का आपका बजट कम है तो आप इसको ले सकते हैं, और इसके साथ अटैचमेंट बॉडी बॉडी शेवर वगैरह इसके साथ मिलता है, तो आप कंप्लीट ग्रूमिंग किट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नोज ट्रिमर ये सारी चीज़ें इसमें अटैचमेंट मिलती हैं। कंप्लीट बॉडी ग्रूमिंग किट की तरह सस्ते में अगर 2500 में लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर आपको हेयर कट करना है, फुल बॉडी ग्रूमिंग करनी है 2500 रुपये में, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बट ये बात ध्यान रखें कि ये जो कॉम्ब है ये बार बार निकल सकता है यूज़ करते समय, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ, ऐसे नहीं निकलना चाहिए, इसको थोड़ा सा स्टडी होना चाहिए इसके कॉम्ब को। और अगर आपको इससे अच्छा बॉडी ग्रूमिंग किट या हेयर कट करने के लिए ट्रिमर चाहिए तो आप फिलिप्स का ले सकते हैं, या फिर पैनासोनिक का जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मुझे अगर बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा लगा है, और हेयर कट भी उससे अच्छे से हो जाता है। ट्रिमर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके इजीली ले सकें या डिटेल देख सकें। देखिए टोटल हेयर कट में मेरे 15 मिनट के जो बैटरी बैकअप है वो गई है, और ये अच्छी बात है, इसमें बैटरी बैकअप आपका कितना बचा है, कितने मिनट का ये बताता है। बैटरी बैकअप भी इसका एक प्लस पॉइंट है, इसमें 60 मिनट का बैटरी बैकअप है, वो भी आप अगर चार्जिंग टाइम इसका 90 मिनट है, 90 मिनट की चार्जिंग टाइम में आपको ये देता है 60 मिनट का बैटरी बैकअप, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और प्राइस रेंज अच्छा है इसका, प्राइसेस कम है, आप इसको वर्ल्ड वाइड वोल्टेज यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सारे जगह के लिए कंपैटिबल है, 2 साल की वारंटी है। तो ये सारी चीज़ें इसकी खासियत हैं। इसमें ऑयल का यूज़ होगा, मतलब ये ऑयल लेस नहीं है, मेंटेनेंस लेस नहीं है, जैसा फिलिप्स के जो मल्टी ग्रूमिंग किट है उसमें, या फिलिप्स के 3000 सीरीज़ की ट्रिमर है उसमें आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में दिया होता है ऑयल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे गैजेट्स और काम की चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।